आज गांव में पहली रोपाई भी लगने वाली है। रोप लगना पहले साई को क्या फिर बीज में रोप लगते सब रोप में उसे परेशानी था साई में उसे परेशानी। खेत बन चुका है पूरी तरह से और इस प्रकार से आप प्लेन है पूरा पानी पानी दिख रहा है और आपको ये दिख रही है धान की पौध है। इस प्रकार से रोपाई लग रही है। या फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो है दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। मैं आपका दोस्त कार्तिक है, ब्लॉगर देवभूमि उत्तराखंड गरुड़ बागेश्वर से आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ देवभूमि के इन खूबसूरत वादियों से। और आज गांव में पहली रोपाई भी लगने वाली है। सुबह सुबह चाची भी बैलों को लेकर आज जंगल चली गई है। चाचा जी लेके आ गए हैं खेतों के लिए पानी जहाँ पे आज होगी पहली रोपाई गांव की। और अमा भी अभी अपने सगोड़े में लगी हुई है और यहाँ पे कर रही है गुड़ाई। के लगा रहा हूँ इमने बड़ मुनु तो उन्हें है खूब उन्हें है। अभी मैं जा रहा हूँ खेतों की ओर जहाँ पे आज रोपाई होने वाली है। सुबह का मौसम तो एकदम सुहाना है, मतलब अभी बारिश तो नहीं हो रही है बट धूप भी नहीं है। और दिखाते हैं आपको खेतों में कैसे रोपाई की जाती है और क्या तैयारी है उसकी। इस प्रकार से खेत तैयार की जाती है रोपाई के लिए। ये खेत पूरी तरह तैयार है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं उस खेत में जहां पे फर्स्ट खेत है ये, जहां पे पानी डाला गया है अभी। और इस प्रकार से पूरे खेत में पानी डाला जाएगा और अभी ताऊ जी और चाचा लोग खेत में लगे हुए हैं। पहले साई को क्या फिर रोप में उसे परेशानी था साई में उसे परेशानी साण भयो तो बिन वाड़ो बिन लायो वह भी छोड़िए के साला फिर छोड़ी आला फिर लगा। क्लास है तुम ये शाला और वो है जुआ। ये है शाल, इस पे होते हैं इस प्रकार के दाने। इसमें भी 6 दाने लगे हुए हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूँ खेत में जहाँ पे बिनोड़ा निकाल रहे हैं। पहले रोप लगी थी, पहले बहुत झाड़ हुई थी खेत में, फिर रोपाई शुरू करा, फिर बाद में की लगाए कल गजर लगा दे, कल धान लगा दे, कल शाही कर दे, फिर बाद में रोपे छोड़ दे, दूसरी बार तीन बार शाही करना पड़ना, ये मैं एक बार नहीं पड़ ला। तो अब ये तैयारी हो रही है बिनोड़ा की, अब इसको लेके जाएंगे सिंचाई वाले खेत में। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और जहां पे रुपाई होने वाली है उस खेत में बिनोड़ा लेके जाने लग गए हैं। तो हो गया है खेत में पानी पूरी तरह से, खेत पूरा बन जाएगा तो उसके बाद प्लेन करना होता है और फिर होगी उसके बाद रुपाई महिलाओं के द्वारा। इसको पहाड़ी में बोलते हैं बल, ये बल बैल नहीं, बैल हिंदी में बोलते हैं, पहाड़ी में बोलते हैं बल। तो क्या कर रहा है रोप, कैसे करते रोप? रोप अभी ये साई होगी इसके बाद महिलाएं लोग आएंगे ऐसे लगाएंगे दो दो बीज टूटू टूटू घर घर। तो यहाँ पे बैल भी आ गए और अब खेत इसके बाद तैयार करा जाएगा। रोपाई की तैयारी हो रही है, इसको अभी बराबर करेंगे ऐसे। क्या बोलनी है वो बताओ ना यार में। अरे साला रे और क्या करनी है, बोलते जो दयालु साल लगा गुस्सा नहीं करिए साल बैग क्यों गुस्सा थोड़ी करनी। बोलो बोलो भाई, इसको साएंगे बराबर करेंगे फिर लगेगा रोपाई। ज्यादा मत बगा बोलो। इस प्रकार से होती है रुपाई पहाड़ों में। अभी खेत को छा रहे हैं।
अभी खेत बनाया जा रहा है पूरी तरह, मतलब साया जा रहा है खेत, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और इसके बाद पौध रखी गई धान की वो इसके बाद यहाँ पे लगाया जाएगा। खेत में भी पानी डाल दिया है और वहाँ पानी बंद कर दिया क्योंकि वहाँ हो गया है पानी पूरा खेत में। फिर ये खेत भी रोपाई के लिए तैयार करेंगे। तो अभी खेत को साया जा रहा है, अकेले कहाँ से वो बताओ। दूसरा खेत में भी पानी हो गया है और यहाँ पे साने लगे हैं। तो पहले वाला खेत था वहाँ पे रुपाई हो गई है स्टार्ट और मैं दिखाता हूँ वहाँ पे रुपाई कैसे लगा रहे हैं। हाड़ी रुपाई पहली बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ। खेत बन चुका है पूरी तरह से और इस प्रकार से आप प्लेन है, पूरा पानी पानी दिख रहा है और आपको ये दिख रही है धान की पौध बीच बीच में रखे हुए हैं। इनको निकालेंगे फिर ड्रॉप करेंगे इनको, फिर उसके बाद ये बड़े होंगे फिर गुड़ाई उड़ाई होगी इनमें, फिर काटेंगे फसलें, फिर सुखाएंगे, फिर पांव से मारेंगे सबको जगह, उसके बाद हम खाना खाएंगे। इस प्रकार से रुपाई लग रही है। अब मैं आगे से लेके चलता हूँ, जो पौध होती है वो लगा दी है। अब किस प्रकार से लगा रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग लगभग आधे खेत में रुपाई हो चुकी है और जो महिलाएं हैं गांव की वो रुपाई लगाते हैं, वो एक पहाड़ी गाना भी साथ साथ गुनगुना रहे हैं। तो फर्स्ट खेत में हो रही है रुपाई और सेकंड खेत भी लगभग लगभग तैयार हो चुका है। तो सांड को लेके ताऊ जी निकल गए हैं अब दूसरे खेत की ओर। दिन के बज रहे हैं अभी एक और हमारी तैयारी हो रही है अभी नदी में नहाने जाने की। तो बहुत दिनों बाद ये मौका मिल रहा है और चलते हैं। तो भैया ये है वो जगह जहां पे हम लोग आए हैं नहाने के लिए। स्विमिंग पूल हमारे पहाड़ में ऐसा ही चलता है, ये देखे ये वहाँ ये भाई खाओ है। तो नहा धो के हम लोग निकल गए हैं बाहर, अब हमारी तैयारी हो रही है घर निकलने की। ये चश्मा मिल गया। सो गाइस यहाँ पर रास्ते में गिरा था, हमारे व्लॉगर भाई को पता नहीं था कि चश्मा कहाँ गिरा है और मच्छी के क्या कहते हैं उसको सुर खाने में, मतलब सुर से उन्होंने देख नहीं पाया गिरा होगा। फाइनली चश्मा मिल गया और मैंने पहन रखा उसको, पूरा धुंधला दिख रहा है नीचे का ऊपर उधर का इधर। तो भाई हमारे व्लॉगर भाई हमारे बोझ को नहीं देख पाए। तो दगड़ियों अभी हम नहा धो के आ रहे हैं गांव के लोडे मोडे इकट्ठे, यही है गांव का एक प्यार। राजू बदबू आ रही है इसमें। तो फाइनली अभी घर पे पहुंच गया और अभी बज रहे 3 जबकि हम निकल गए थे 12 बजे। लगभग 3 घंटे हमने स्पेंड करे हैं वहां पे, खाना वगैरह खाते हैं फिर उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, थक गए आज खेतों में इधर उधर इधर भागते भागते। जो मौसम दिन में अच्छा खासा खिल गया था, शाम होते होते फिर से काले घने बादल दिखने लगे हैं। दूसरा साइज़ आ गए, ये हाथ में पकड़,
शाम की चाय भी आ गई है और ये चाय है गुड़ वाली चाय। रात के अभी बज रहे हैं 10, बाहर फिर से बारिश हो गई है शुरू। तो कैसा लगा ये पहाड़ी लाइफस्टाइल वाला आज रुपाई का ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना। नीचे बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हम मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ एक नए दिन में। तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट।